नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का क्रिकेट जंकी की एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की जो इस वाली वीडियो है ना, इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के 10वें मैच के बारे में, जो कि मेलबर्न नगेदास और ब्रिस्बेन हीट के बीच में होने वाला है। तो बिना टाइम के भाई चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेलबर्न नगेदास के बारे में। तो देखो अपनी मेलबर्न की टीम है ना, इसके अंदर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक तो यार प्रेशर के अंदर बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, और ये क्योंकि अभी तक यार एक भी गेम नहीं जीते हैं, इनका खाता अभी तक नहीं खुला है इस वाली सीरीज के अंदर। और ये सीरीज के अंदर इसका तीसरा मैच होने वाला है, जो कि ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ होने वाला है। और जो ब्रिस्बेन है वो ऑलरेडी यार टॉप पर बैठा हुआ है पॉइंट्स टेबल के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा मैचेस जो है ब्रिस्बेन हीट ने ही जीते हैं। तो और थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं अपने मेलबर्न नगेदास के बारे में, उसकी टीम पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि उस टीम के अंदर कौन कौन है और कौन कौन सी टीम के उसके कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन सी टीम के उसके प्लेयर्स हैं जो कि उसकी टीम को ये वाला मैच जिताने में मदद कर सकते हैं। देखो जो लास्ट मैच इनका हुआ था वो पर्थ स्कॉच के साथ हुआ था, और कुछ पिच के कारण जो मैच था ये वाला कैंसिल हो गया था, पिच से कुछ दिक्कत थी जिससे मैच को अबैंडन करना पड़ा, तो इसलिए उनको पॉइंट शेयर हो गए थे दोनों को। और जो पहला मैच था ये वो ऑलरेडी लूज कर चुके थे, तो इनका तीसरा मैच है, तो ये तीसरे मैच के अंदर अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपना खाता खोलने की और ये वाला जो गेम है इसको जीतने की। बट जिनका मुकाबला है वो ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ होने वाला है, जो कि पॉइंट टेबल के ना सबसे टॉप पे बैठी है, वो दो के दो गेम जीती है। तो देखते हैं क्या वाली टीम इसको हरा पाएगी या फिर ये वापस से बिल्कुल खड्डे के अंदर चली जाएगी। पहले बात कर लेते हैं मेलबर्न को, अगर आज जीतना है तो सबसे पहले तो एक तो ओपनिंग बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, कि जो ओपनिंग प्लेयर है निक वैडिनसन और क्विंटन डे कॉक, इनको काफी अच्छी ओपनिंग करनी पड़ेगी और एक अच्छा स्कोर देना पड़ेगा, तभी जाके सामने वाली टीम ब्रिस्बेन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पाएंगे। और साथ ही साथ सिर्फ ओपनर से ही काम नहीं चलेगा, जो क्लार्क के जेक फ्रास्कर मगर और आरएन फ्रिंच को भी अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी मिडल ऑर्डर के अंदर, तब जाकर ये एक अच्छा स्कोर दे पाएंगे। क्योंकि अगर इन्होंने पहले बैटिंग करते हैं तो उनको अच्छा खासा स्कोर देना पड़ेगा ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो यार इनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना हो जाएगा, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट अच्छी टीम है, तो अगर छोटा मोटा टारगेट मिलता है उसको तो आराम से चेस कर लेगी और इनको हरा देगी। पहली बात तो ओपनिंग अच्छी करनी है, टिक्के खेलना है, विकेट नहीं गिरानी है, और जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है उनको भी अच्छी बैटिंग करनी है। अगर ओपनर जाते हैं तो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन को भी अपनी विकेट रोक के एक अच्छे खासे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे खासे रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाके वो इस वाली टीम को जिताने की होप दे सकते हैं। और सिर्फ बैटिंग से नहीं, इनको बॉलिंग के अंदर काफी अच्छी चीज करनी पड़ेगी, इनको काफी अंदर जान लगानी पड़ेगी बॉलिंग के अंदर भी, साथ ही साथ सिर्फ बैटिंग से नहीं बॉलिंग से भी काम लेना पड़ेगा हमारी टीम को। हमारे जो बॉलर है केन रिचर्डसन और टॉम रोजर्स, इनको अच्छी खासी विकेट लेनी पड़ेगी ब्रिस्बेन के खिलाफ, क्योंकि ब्रिस्बेन टिक गया तो यार वो अच्छे खासे रन मार जाएगा और वो इजिली गेम को चेस कर लेगा। अगर वो चेस करता है तो आराम से चेस कर लेगा, अगर वो पहले बैटिंग करता है तो वो अच्छी खासे स्कोर बना देगा, जिसके बाद इनसे ये जो स्कोर होगा वो चेस नहीं किया जाएगा और ये हार जाएंगे। साथ ही साथ हमारे बॉलर मौजिबुर रहमान को भी अच्छी कंडीशन को देखते हुए अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी टॉम रोजर के साथ, तभी जाके एक अच्छी बॉलिंग जोड़ी बन पाएगी और सामने वाली टीम के विकेट छटक पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके जीतने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अगर बात करें प्लेइंग 11 के बारे में कि कौन कौन सी टीम मेलबर्न की तरफ से खेलेगी, तो इनकी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले आएंगे कप्तान निक मैडिसन, साथ में आएंगे विकेट कीपर क्विंटन डे कॉक, देन आएंगे जो क्लार्क के जेक फ्रेसर मगर आरन फ्लिंच जोनाथन वेल्स विल सदरलैंड टॉम रॉजर्स केन रिचर्डसन पीटर सिडली एंड मुजिब और रहमान। तो इन सभी खिलाड़ियों को एक अच्छी बैटिंग और बॉलिंग का मिक्स बना के सामने वाली टीम को एक अच्छी टक्कर देनी पड़ेगी, तभी जाकर ये अपना खाता खोल पाएंगे और पहला गेम जीत पाएंगे इस वाली सीरीज का। अगर ऐसा नहीं होता है तो पॉइंट टेबल के अंदर काफी ज्यादा नीचे चले जाएंगे और इनको बड़ी दिक्कत आएगी, और अगर ऐसे ही खेलते रहे तो अगर ये सीरीज के भी बाहर हो सकते हैं, तो इनको ये वाला मैच जरूर जीतना पड़ेगा। तो ये थी हमारी मेलबर्न की टीम, अब बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन टीम के बारे में कि उनके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और उनकी प्लेइंग 11 को हम जानेंगे। पहले बात कर लें ब्रिस्बेन ने, तो भैया ब्रिस्बेन ने काफी अच्छी स्टार्ट करी इस वाले सीजन के अंदर, इन्होंने 3 मैचेस खेले जिसके अंदर से 2 जीते हैं और एक के अंदर पॉइंट शेयर किया है। इनका जो लास्ट मैच हुआ था वो सिडनी के साथ हुआ था, इसके अंदर 20 रन से जीते थे, और इसके जो कप्तान है कॉलिन मुंडो, उनकी यही कोशिश रहेगी कि आगे भी इसी तरीके से खेलते रहे और इनका जो नेक्स्ट मैच होने वाला है मेलबर्न के साथ उसके अंदर भी इसी स्प्रिट के साथ जीत पाए। कॉलिन मुंडो ने जॉस ब्राउन के साथ लास्ट वाले मैच के अंदर काफी अच्छी ओपनिंग करी थी और इस वाले मैच के अंदर भी हमें वो करते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इनके पास मिडल ऑर्डर के अंदर काफी अच्छे बैट्समैन हैं, जैसे कि नेथन मैक्सवेनी, मैट रेनशॉ एंड सैम बिलिंग्स, इनके पास ये 3 काफी अच्छे मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। और साथ ही साथ लो ऑर्डर के अंदर इनके पास पॉल वॉल्टर और जेविड बार्लेट नाम के भी अच्छे खासे बैट्समैन हैं, जो कि लो ऑर्डर के अंदर भी काफी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इनका नंबर आएगा नहीं, क्योंकि इनके मिडल ऑर्डर यार इतने तगड़े तगड़े हैं कि यार उनका नंबर आने देंगे, तो मिडल ऑर्डर वाले बैट्समैन संभाल लेंगे पूरा गेम और एंड तक वही खेलेंगे, लो ऑर्डर के यार चांसेस बहुत कम लग रहे हैं तो उनको खेलने का मौका शायद ही मिलेगा, उन्हें फील्डिंग ही करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये सिर्फ बैटिंग के अंदर नहीं, इनके पास बॉलिंग यार काफी तगड़ी तगड़ी है, जिसकी हम बात कर लेते हैं तो माइकल नेस्टर और जेवियर बार्लेट ये काफी अच्छे बॉलर्स हैं इस टीम के अंदर। लास्ट वाले मैच के अंदर उन्होंने काफी अच्छी अच्छी विकेट्स ली थी सिडनी के खिलाफ। साथ ही साथ स्पेंसर जॉनसन एंड मिचेल स्वेप्सन, इन दोनों ने भी काफी अच्छी विकेट ली थी सिडनी के खिलाफ। तो ये 4 बॉलर हमारे ब्रिस्बेन के साथ में काफी तगड़ी बॉलिंग करने सकते हैं और अच्छी अच्छी विकेट ले सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन की प्लेइंग 11 के बारे में। ब्रिस्बेन की तरफ से हमारे कैप्टन कॉलिन मुनलो, जॉस ब्राउन, नेथन मैक्सवेनी, मैट रेनशॉ,
सैम बेलिंग, पॉल वॉल्टर, माइकल नेस्टर, जेवियर बार्लेट, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुनेमन और मिचेल स्विप्सन, ये सभी हमें खेलते हुए दिख सकते हैं हमारे ब्रिस्बेन की तरफ से। अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी पिच रिपोर्ट के बारे में, तो ये वाला जो मैच है ये डॉकलैंड स्टेडियम मेलबर्न के अंदर होने वाला है। ये वाला जो स्टेडियम है हमारे बैट्समैन को थोड़ा अच्छा खासा फेवर करता है, काफी फ्लैट पिच है और जो बाउंड्रीज है वो थोड़ी शॉर्ट है, तो बैट्समैन है उसको काफी मदद मिलती है बाउंड्रीज हिट करने के अंदर। और ये वाला जो स्टेडियम है इसके अंदर फ्लैट पिच होने के कारण जो पेसर्स होते हैं उनको काफी अच्छी पकड़ मिलती है, स्पिनर्स को फायदा नहीं मिलता है इस वाले स्टेडियम के अंदर, तो स्पिनर्स को दिक्कत हो सकती है। जो अपने पेसर्स हो गए और जो बैट्समैन हो गए, खासकर बैट्समैन, उनको काफी अच्छी मदद मिलती है इस वाले स्टेडियम के अंदर। तो यार अगर टीम जीतती है टॉस तो उसको पहले बैटिंग करने का मौका लेना चाहिए, और पहले बैटिंग करने वाली टीम को कम से कम 180 रन का टारगेट रखना चाहिए। अगर वो इससे कम करते हैं तो सामने वाली टीम के चेस करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर बात कर लें थोड़े से वेदर के बारे में, तो वेदर जो होगा बिल्कुल साफ होगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो मैच अबैंडन होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है, बहुत ही कम चांसेस है कि मैच अबैंडन हो सकता है। तो गाइस ये था आज की वाली वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक मार देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।